यहाँ पे कंडक्टर में करंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, कंडक्टर में करंट जो फ्लो करता है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं या एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन की वजह से जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ सर्टेन स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं। इस स्पीड का हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड नाम देते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है जे डिवाइडेड बाय एनी। तो VD will be equal to J divided by N. J is called the current density. N हो गया number of electrons per unit volume. E कहलाता है electronic charge, right? अच्छा, drift velocity की जो value होती है वो 10⁻⁴ meter per second के order में होती है। Direct result को याद रखना, क्योंकि कई दफे ये पूछा जाता है कि order of drift velocity बता दीजिए। ये एक order है, इसके around इसकी value होती है। Next अब देखिए, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं पे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट का डायरेक्शन होने के बावजूद ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो वेक्टोरियल ऑपरेशन है वो करंट के लिए अप्लाई नहीं करी जाती है। करंट डेंसिटी होती क्या है? करंट डेंसिटी एक तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक्चुअल जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो देते हैं हम लोग। आई विल बी इक्वल टू जे डॉट डी ए। सपोज ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रही है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है इसकी एरिया वेक्टर जो होगी इस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, तो ये डी ए वैक्टर हो गया। जे वैक्टर यहाँ पे इसके थ्रू दिखा रखा है मैंने, तो करंट जो फ्लो करेगी इस सेक्शन के थ्रू डेट इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, राइट। अब जे की वैल्यू यदि यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, तो क्या होगा? जे इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और केवल आप एरिया वेक्टर पे इंटीग्रेट करेंगे, तो आई किसके इक्वल हो गया? जे डॉट ए के। यदि जे वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, जैसा कि यहां पे दिख रहा है आपको, जे वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आई इक्वल टू जे ए लिखा जाएगा, बिकॉज जे डॉट ए विल बी इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। दोनों यदि पैरेलल हो गए तो थीटा जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू जे ए एंड हेंस जे विल बी इक्वल टू आई बाई ए। तो जे इक्वल टू आई बाई ए हमेशा वैलिड नहीं है, ये तब वैलिड है जबकि जे की वैल्यू थ्रू आउट द जो एरिया वेक्टर थ्रू आउट जो क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात, जे वेक्टर और एरिया वेक्टर जब एक दूसरे के पैरेलल हो तभी जाकर के हम लोग जे इक्वल टू आई बाई ए लिख सकते हैं। तो ये वाली पॉइंट है जिसको ध्यान में यहाँ पे रखना है, जो कि इस सिचुएशन को डिफाइन करता है। करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की ही डायरेक्शन होती है, एक तो ये बात है। दूसरी बात, एक और लॉ यहाँ पे हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग थियोरेटिकली ओम्स लॉ भी कहते हैं। करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जे इक्वल टू सिग्मा ई, राइट। सिग्मा यहाँ कहलाता है कंडक्टिविटी, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी है। देख सकते हैं जे का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों बिल्कुल सेम है, राइट। एक तो ये बात होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जे की जगह पे सिग्मा ई प्लेस कर दीजिए। तो जब जे की जगह सिग्मा ई प्लेस करेंगे और तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू एन ई वी डी बाई ई। अब वी डी बाई ई को कहते हैं हम लोग यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर या मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डैट वे कंडक्टिविटी विल बी रिटन एज सिग्मा विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू एन ई म्यू। दिस म्यू इज कॉल्ड द मोबिलिटी विच इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वी डी बाई ई। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस कई सारे आते रहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड आप ध्यान रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इट इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आगे और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सिग्मा इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू एन ई म्यू, म्यू कहलाता है मोबिलिटी, राइट। ये मोबिलिटी जो होती है वो कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। देयर इज सर्टेन टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और इसी टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं यहाँ पे कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। तो मोबिलिटी अल्टीमेटली कोलिजन टाइम से रिलेटेड होती है। इट इज गिवन बाय ई टॉ बाय एम, यहाँ पे टॉ कहलाता है यहाँ पे आपकी कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। ई कहलाता है फिर से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एम हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट वे कंडक्टिविटी आखिर किसके इक्वल आ गई, एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाय एम। रेसिस्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी है, तो इट विल बी इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, राइट। अब होता क्या है कि भाई कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, और टेम्परेचर जितना आप कम करते चले जाएंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपकी रिड्यूस होती जाएगी। यदि कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी तो कोलिजन टाइम बढ़ती चली जाएगी।
मतलब हो गया कि टेम्परेचर के गिरने के साथ या टेम्परेचर के घटाने के साथ कोलिजन टाइम आपकी क्या करेगी, यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। तो विथ द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर द कोलिजन टाइम विल इंक्रीज, यदि कोलिजन टाइम बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा, और रेसिस्टिविटी घटेगा तो कंडक्टिविटी आपका बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस जो है आपका घटेगा, राइट। मतलब हो गया कि कोई भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के घटने के साथ घटता है और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ता है, जो कि इस रिलेशन के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, जो किसके इक्वल होती है, 1/ρ d ρ/dt, राइट। ये एक डेफिनेशन होता है। जब इसी से हम लोग ये रिजल्ट अप्रोक्सीमेट करके निकालते हैं कि रेसिस्टिविटी एट द टेम्परेचर टी विल बी इक्वल टू रो नोट 1 + α t - t0। रो टी मतलब ये जो हो गया रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी हो गई, राइट, और रो नोट हो गया वो आपका टेम्परेचर टी नोट पे रेसिस्टिविटी हो गया, एक बात ये हो गई। यहीं से आप लिख सकते हैं रेसिस्टेंस का भी, RT = R0 1 + α t - t0। अब आगे और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग।